Hey guys, I am Akash. You are watching DMES Akash channel. तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे. आज भी मैंने एक नया वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ बेसिकली आप लोगों के जानकारी के लिए. तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के टॉप 5 सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में. तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं. सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल पैदा होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी होता क्या है. जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो दूसरा कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम सर्विस बेस्ड कंपनी कहेंगे. और सर्विस का मतलब सिर्फ आईटी सर्विस नहीं, कोई भी सर्विस. आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में. तो इंडिया के टॉप 5 सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर पहले नंबर पे आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ये कंपनी क्या क्या सर्विस देता है? आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग. इनका CEO है राजेश गोपीनाथन. इसका रेवेन्यू है $23 बिलियन. इस कंपनी में एम्प्लॉय के नंबर्स है 4,69,261. नेक्स्ट नंबर 2 L&T. हाँ भाई, आपने सही सुना, L&T. L&T एक सर्विस कंपनी है और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी और भी बहुत कुछ है. L&T बहुत बड़ा कंपनी है और इंडिया के अंदर उसका काफ़ी नाम भी है. तो ये क्या क्या सर्विस देता है? ये भी IT सर्विस देता है एंड फाइनेंशियल सर्विस देता है और भी कुछ कुछ सर्विस देता है. इनका CEO है R. शंकर रमन. इनका रेवेन्यू है $21 बिलियन. इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ के नंबर है 3,37,994. नेक्स्ट 3 इन्फोसिस. इन्फोसिस का सर्विस क्या देता है? आईटी सर्विस एंड आईटी कंसल्टिंग. इनका CEO है सलील परेख और इनका रेवेन्यू है $13 बिलियन. और इन कंपनी में एम्प्लॉयज़ का काम करता है 2,42,371. नेक्स्ट आता है विप्रो. इनका सर्विस क्या है? आईटी सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग, मैनेज सर्विसेज एक्सेट्रा. इनका CEO है ऋषद प्रेम जी. इनका रेवेन्यू है $9 बिलियन. इन कंपनियों में एम्प्लॉयज़ काम करता है 1,75,000. नेक्स्ट 5 टेक महिंद्रा. हाँ भाई, आपने सही सुना, टेक महिंद्रा ट्रैक्टर मोटर के अलावा सर्विस भी देता है. ये क्या क्या सर्विस देता है? आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग. इनका CEO है CP गुरनानी. इनका रेवेन्यू है $5.3 बिलियन. इनका एम्प्लॉयज़ है 1,25,236. अगर किसी का भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करना ज़्यादा अच्छा है या सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करना ज़्यादा अच्छा है, ये प्रश्न का आंसर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए. तो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना. तो बाय बाय गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.